अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान और खुश आमदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको ये 3D हार्ट की एजिंग करना सिखाऊंगी। जिस तरीके से मैंने पहले आपको एक फ्लावर एजिंग बताई थी, उसी तरीके से ये हार्ट्स इस पे बनेंगे। उसमें भी हमने 6 टाके छोड़ के हर सातवें टाके में फूल बनाया था, इसमें भी हर सातवें टाके में ही हार्ट बनाया गया है। आज जो मैं हुक साइज यूज कर रही हूं वो है 3 मिलीमीटर। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अगर आपको बेसिक क्रोशे के स्टिचेस सीखने हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वीडियो के नीचे, वहां पे आपको जो है वो सारे बेसिक स्टिचेस मैंने सिखाए हुए हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरीके से आप छोटे सिरे को उल्टे हाथ पे, बड़े सिरे को राइट हैंड में पकड़ेंगे, ऐसे आप इसको क्रॉस कर देंगे एक दूसरे के ऊपर। ये वाला लूप आप ऐसे बड़े वाले के ऊपर रख के इसमें से आपने ये हुक निकाला और छोटा वाला सिरा खींचा, फिर दोनों सिरों को खींच के ये आपने स्लिप नॉट लगा दिया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि साथ साथ के सेगमेंट्स में हमने काम करना है, तो हम इस तरीके से हमने ये बढ़ाना है काम कि हमें पता हो कि हर 6 टाकों के बाद सातवां हार्ट बनाना है। मैंने ये 28 स्टिचेस बनाए हैं, इसमें मैंने 38 बनाए थे। अभी मैं 28 स्टिचेस पे आपको बता रही, 28 स्टिचेस पे। तो 28 की हमने चेन बना लेनी है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट जब आप चेन्स बना लेंगे, आप दो चेन्स एक्स्ट्रा बनाएंगे और डबल क्रोशिया तीसरी चेन में काउंट करेंगे हम, एक दो और तीन। तीसरी चेन में जो है हम डबल क्रोशिया करेंगे एंड तक। अगर आपको ये स्टिचेस नहीं आते हैं तो आप बेसिक स्टिचेस की वीडियो में मेरी जाइए, वहां पे मैंने ये स्टिचेस सिखाए हुए हैं। आपने दो रोज बनानी है, यानी दो दफा एक दूसरे के ऊपर स्टिचेस बनाने हैं। एक दफा ये हम बना रहे हैं पूरा, एंड तक हमने ये डबल क्रोशिया करना है। जब आपकी दो रोज कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि पहले हमने ये इस तरफ चेन के ऊपर एक रो बनाई, फिर वहां से चेन टू करके यहां तक हमने फिर से स्टिचेस वापस लेकर आए, तो ये आपकी डबल रो हो जाएगी। जब आपने दो रोज बना लेनी है, आप काम को फिर से टर्न कर लेंगे और दो चेन्स बनाएंगे, एक और ये दो। दो चेन्स बनाने के बाद आपने इस वाले स्टिच में नहीं, इस वाले से स्टार्ट करना है। तो ये एक दो तीन चार पांच छ, आपने ये 6 स्टिचेस में ये वाला आप काउंट करेंगे फर्स्ट स्टिच, तो एक दो तीन चार पांच और ये 6। सातवें में आपने दो डबल क्रोशिया करना है जिसमें हम हार्ट बनाएंगे। ये वाला, ये सातवें स्टिच में हमने दो टांके बनाने डबल क्रोशिए का, ये एक और ये दो। अब हम इस सेंटर में, यहां सेंटर में काम करेंगे। सबसे पहले आप तीन चेन्स बनाएंगे, एक दो तीन।
अब आपने ट्रिपल क्रोशिया करना है। ट्रिपल क्रोशिया क्या है, ये एक दफा स्टिक पे रैप किया, ये दो दफा किया, इसके सेंटर से गए आप, ये ऐसे ऊन आपने निकाला, दो से, फिर दो से और फिर दो से, ये आपने ट्रिपल क्रोशिया किया जो कि सबसे बड़ा टांका है। एक दफा, ये दो दफा, फिर ये इसके सेंटर से आप गए, पहले दो से निकाला, फिर दो से और ये फिर दो से, दो आपने ट्रिपल क्रोशिया किया। अब दो आप डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये एक, ये दो। अब हम दो हाफ डबल करेंगे, ये ऐसे लिया आपने और ये तीनों से निकाल लिया एक साथ, तो हमने बड़ा टाका, बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखें, यहां से हार्ट यूं होता हुआ छोटा हो रहा है, फिर छोटे से फिर बड़ा हो रहा है, तो हम यही कर रहे हैं। यहां से हमने बड़ा टाका बनाया, छोटा छोटा छोटा, दो हमने हाफ डबल करने, एक हमने कर लिया, ये एक, और अब हमने एक डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया क्यों करना है, क्योंकि ये जो एंड में जो एक निप आ रही है, टिप आ रही है ना एंड की, इसकी हार्ट की, वो डबल क्रोशिया की वजह से आएगी। तो हम एक डबल क्रोशिया आप करेंगे इसमें। अब हमने इसमें कर लिया, अब हम जिस तरह मैंने आपको फूल में सिखाया था कि आपने ऑपोजिट तरफ यानी इस तरफ आना है, तो आप काम को उल्टा करेंगे। आपने ये, अब आपने दो हाफ डबल करने हैं, क्योंकि हम फिर नीचे से ऊपर की तरफ दिल के जा रहे हैं। यहां से स्टिक को डाला, इधर से निकाला, ये ऊन आपने लिया ऐसे और ये हाफ डबल किया, एक, ये दो। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे दो दफा, तो ये एक और ये दो। अब हम दो दफा ट्रिपल करेंगे, तो ये दो दफा ऐसे लपेटा स्टिक के ऊपर, ये आपने ऊन निकाला, दो से निकाला, फिर दो से, फिर दो से, एक, ये दो। दो दफा स्टिक पर रैप किया, सेंटर में डाल के ये ऐसे ऊन लाए, दो से निकाला हमने, फिर दो से निकाला, सॉरी, ये ऐसे दो दफा हमने रैप किया, स्टिक में से ऐसे लिया, दो से, फिर दो से और ये फिर दो से। फिर हम तीन चेन्स बनाएंगे, एक, दो, तीन, और हम ये दिल के बिल्कुल सेंटर में यहां से ये ऐसे और स्लिप स्टिच दे देंगे। स्लिप स्टिच क्या है, आपने ये डायरेक्ट हुक डाला, यहां से ऊन लिया, और ये स्टिच से निकाल लिया। अब एक चेन बनाएंगे, और ये देखें आपका हार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने सबसे पहले तीन चेन्स बनाई, दो ट्रिपल क्रोशिया किया, दो डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल, और एंड में ये टिप देने के लिए एक डबल, फिर उल्टा गए छोटे से बड़े पे, तो दो हाफ डबल, दो डबल, दो ट्रिपल, चेन तीन, स्लिप स्टिच, और ये हार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन बनाएंगे स्टिच को ऊपर लेने के लिए, नहीं आई थिंक हमने बना ली है, हाँ हमने एक चेन बना ली है स्टिच को ऊपर लेने के लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से छह डबल क्रोशिया करेंगे, तो ऐसे हार्ट को थोड़ा सा टर्न किया आपने, अब आपने देखा ये वाला टांके में हमने डबल क्रोशिया करना है, तो यहीं से आप अब छह टांकों पे ये एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, क्योंकि सातवें में हम ये हार्ट बनाएंगे।
बहुत सिंपल है इसे बनाना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मजीद कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे काइंडली कमेंट करके बताइए। और दूसरा, फेसबुक के पेजेस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आप मेरी कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे प्लीज़ बताइए। अपनी मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।